नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा ख़राब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल मैं 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊँगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे, उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए, अभी तक आपने दो राशियों के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये वर्ष व्यावसायिक लेनदारी दिलाने में प्रभावी व्यक्ति से मदद मिलेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में दूसरों की शिकायत पर से परेशानी हो सकती है, यानी जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपके कलीग के द्वारा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो सकता है, वो शिकायत करेंगे, उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, किसी प्रभाव से वो दूर भी हो जाएगी। आपको नौकरी में पिछली रुकी पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा, यानी कि हो सकता है कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ है तो वो भी इस वर्ष आपको मिलेगा। यदि पदोन्नति में बाधा आ रही है तो मार्च अप्रैल में राहत मिल सकती है, और कोई प्रकार की बाधा है तो वो भी मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। यदि आप कारखाना मालिक हैं तो विपरीत परिस्थितियों को अपनी सूझबूझ से सुलझा लेंगे और आप अपनी व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों को परास्त भी कर देंगे। यदि भूमि भवन मशीनरी की प्राप्ति जून जुलाई से पूर्व हो सकती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य साझेदारी में उलझने आ सकती है। यदि आप रोजगार से के सिलसिले में गृह नगर से बाहर हैं तो घर वापसी का योग भी इस साल बन सकता है। संतान पक्ष की ओर से शुभ संकेत मिलेंगे, यानी कि कोई अच्छा कार्य आपके बच्चे करेंगे। उदर विकार, एसिडिटी, घातादि से जुलाई से अक्टूबर के मध्य कष्ट हो सकता है। देश देशांतर की यात्रा के योग हैं। वर्षों से चली आ रही आवासीय समस्या हल हो सकती है। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो यह वर्ष आपके लिए कड़ी परीक्षा का रहेगा। आपकी पार्टी द्वारा चुनाव संबंधी कार्यों के लिए आपको नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और आप अपनी मेहनत और व्यवहार कुशलता से इस वर्ष इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करेंगे। यानी अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उन्नतिकारक होगा। कानूनी विवादों में सफलता के योग हैं। दूर गए व्यक्ति के संबंध में शुभ समाचार मिलने के भी योग हैं। माँ दुर्गा की आराधना करना, पन्ना धारण करना और फलदार वृक्ष लगाना आपके लिए इस वर्ष बहुत ही लाभकारी होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो और उसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तो आप ये खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।